वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हैंग और शिन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ अभी लड़ रहे थे, क्योंकि हैंग को लग रहा था कि शिन ने उसे धोखा दिया है उसके पीठ पीछे, और साथ ही उसने टैन को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और टैन कोई और नहीं, हैंग की बहुत स्पेशल वन थी। पर शिन जब उसे समझाने का कोशिश करती है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, तब भी टैन की बात में आकर हैंग उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था, और वहीं पर वो सदाई को तोड़कर चला जाता है। और फिर उसके बाद शिन टैन के पास आती है, और टैन का बात सुनकर हम समझ सकते हैं कि ये सारा प्लान टैन का था, और आज जो शिन और हैंग का हालत है उसके पीछे भी टैन ही थी। पर जब टैन अपना सारा प्लानिंग उसे बता देती है शिन को, और उसी बीच में टैन उसे एक इंजेक्शन लगा देती है जिसके कारण से शिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को बाथटब में पाती है, जहां पर शिन अभी कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और वहां पर टैन उसे बुली करते हुए उसके हाथ का नस काट देती है, जिसके कारण से वो वहीं पर बेहोश होने लगती है, और साथ ही उसका बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो रहा था। और टैन को उसका ये हालत देख कर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद जब शिन को थोड़ा सा होश आता है, तब वो उस समय सीधे हैंग को कॉल करती है और उसे अपना जान बचाने के लिए हेल्प मांग रही थी। पर अभी भी हैंग को लग रहा था कि वो नाटक कर रही है बस उसका सिंपैथी पाने के लिए। पर जब शिन को लगता है कि हैंग उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, तब उसे समझ में आने लगता है कि हैंग के आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। वो कुछ भी कहेगी उसके बात पर उसे कभी भी भरोसा अब नहीं होने वाला है। और हैंग के कॉल कट करने के बाद ही शिन को अपने प्यारे मोमेंट याद आते हैं जब उसने हैंग के साथ वो मोमेंट को एंजॉय किए थे, और उसी समय वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और दूसरी शायद हैंग टैन और उसकी मदर से मिलने आए हुए थे। टैन की मदर तो बहुत ज़्यादा हैंग पर गुस्सा कर रही थी और अपना नाटक शुरू करते हुए कहती है कि तुम्हारे फियांसे के कारण ही आज मेरी डॉटर का ये हालत है, क्योंकि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती है और इसके पीछे तुम्हारी फियांसे का ही हाथ है। और अब बताओ, तुम्हारे कारण ही ये अब किसी के साथ शादी नहीं कर सकती है। और ये सारा ब्लेम वो लोग हैंग और शिन पर लगा रहे थे। और इसी प्रेशर में आकर वो हैंग उन लोगों से कहता है कि वो टैन से शादी करेगा, और बस उसे एक शर्त उन लोगों की माननी होगी क्योंकि वो नहीं चाहता है कि शिन पर कोई भी केस हो। तो अगर उन्हें ये शर्त मंजूर है तो वो ये शादी जरूर करेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाते ही मदर डॉटर अपने असली रूप में आते हैं और शिन का बुराई करते हुए कहते हैं कि ये तो अभी भी शिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तब इसके बाद पर उसकी बेटी उससे कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, उसकी बेटी के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अब तो उसका लास्ट का भी डेट आउट हो चुका होगा। और बाहर हैंग अपने सेक्रेटरी से बस अपनी वाइफ, यानी अब जो उसकी वाइफ बनने वाली नहीं थी, उसके बारे में बात करता है, यानी शिन के बारे में पूछ रहा था, जबकि वहाँ पर शिन उसका कोई भी कॉल नहीं उठा रही थी और ना ही उसके सेक्रेटरी को पता था कि अब उन शिन कहाँ पर है। पर हैंग उसे अभी भी शिन का पता लगाने के लिए कह रहे होते हैं। हैंग को टैन से कोई भी शादी नहीं करनी थी, पर जब उसे पता चला था कि शिन उसे धोखा दे रही है, तब उसका प्यार उसके लिए ख़त्म हो चुका था, और उसे अपनी शिन पर भरोसा करने के बजाय वो रूमर्स पर भरोसा कर रहा था। और दूसरी साइड उस शिन को देखते हैं जिस वो अभी होश में आ नहीं रही थी और उसे बचाने का कोई कोशिश भी करता है। और उसी समय हैंग को भी देखते हैं जहां उसकी हालत ख़राब होने लगी थी, पर अभी भी वो हैंग अपने शिन के बारे में पूछ रहा था अपने सेक्रेटरी से। पर जब उसका कॉल नहीं लग रहा था तब वो परेशान भी होता है। पर दूसरी साइड टैन और उसकी मदर मैरिज हॉल में पहुँच चुके थे और उनकी शादी अब कम्प्लीट होने ही वाली थी जब हैंग वहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ मैरिज हॉल में सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि हैंग की वाइफ टैन बनने वाली है, आखिर इतनी अमीर फैमिली की डॉटर तो अमीर फैमिली में ही जाएगी। और वहीं पर टैन और उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश थे आज के दिन के लिए। हैंग बस शिन से आखिरी टाइम बात करना चाहता था और उसे एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, पर जब शिन उसका कॉल नहीं उठाती है तब वो अपने मैरिज हॉल में जाता है जहाँ पर उसकी शादी आज टैन से होने वाली थी। पर तभी वहाँ पर एक खास इंसान की एंट्री होती है और कोई और नहीं बल्कि शिन होती है।
और वहाँ पर शिन को देखकर टैन और उसकी मदर दोनों ही चौंक जाते हैं, खासकर टैन, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अब तक शिन का काम खत्म हो चुका होगा। और वहाँ पर शिन को देखकर बहुत सारे गेस्ट उसका बुराई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टैन के साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें शिन का ही हाथ है, और इन सब रूमर्स के पीछे भी टैन का ही हाथ था, क्योंकि वही चाहती थी कि सभी लोगों को लगे कि शिन बहुत बुरा काम करती है और जो भी उसके साथ बुरा चीज़ हुआ है उसके पीछे शिन है। और वहाँ पर लोगों का गुस्सा देख कर टैन सभी के सामने शिन से माफ़ी मांगने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो शिन सिस्टर, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो। पर टैन का एक्टिंग देखकर शिन को हंसी आ रहा था और वो कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी होगी मुझे यहाँ पर जिंदा देखकर। जिस पर टैन उसे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं चाहती हूँ। पर यह सब तमाशा देखकर हैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मैं जानता हूँ कि तुम ये शादी नहीं होने देना चाहती हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं शादी ये करने वाला हूँ और मेरी वाइफ होने वाली जो है उसका नाम टैन है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। जिस पर शिन उसे कहती है कि अपना ये ड्रामा करना बंद करो, मैं तुम जैसे आदमी को पहले भी मिल चुकी हूँ जो दूसरे के बातों से अपने आप पर पट्टी बांध लेते हो, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं तुम्हारा शादी कुछ तोड़ने में इंटरेस्ट हूँ, मैं यहाँ पर अपना इनोसेंट प्रूफ करने आई हूँ, जो भी मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगे हैं मैं उसको गलत प्रूफ करने आई हूँ। और उन दोनों को लड़ते हुए देखकर टैन को बहुत अच्छा लग रहा था और उसे खुशी मिल रही थी कि हैंग उसका साथ दे रहा है। जो बात सुनकर जो भी चीज़ हैंग उसे कह रहा था शिन से, वो सब बात सुनकर शिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक चाटा खींच कर लगाती है और कहती है कि तुम मेरे खड़े होने लायक भी नहीं हो, तो तुम तो अपने लिमिट में ही रहो, और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुमने जो मेरे साथ सदाई टूर के की है वो बहुत अच्छा काम किया है, और पहले मैं सभी गेस्ट को यहाँ पर बता दूँ कि जिसको आप लोग एक इनोसेंट एंजल समझ रहे हैं वो कितनी बड़ी डेवल है, वो अभी यहाँ पर सभी के सामने प्रूफ हो जाएगा। पर हैंग को लग रहा था कि बस शिन यहाँ पर तमाशा क्रिएट करने आई है ताकि शादी नहीं हो पाए। फिर उसके बाद शिन अपना सारा सच बताती है, जो भी उसने एविडेंस इकट्ठा किए थे टैन के खिलाफ वो सब कुछ वहाँ पर बताती है कि उसने हैंग के कंपनी में क्या क्या गलत काम किए हैं और अब तक के उसके सारे काले धंधे सभी के सामने बताती है वो। पर वहाँ पर जो भी गेस्ट थे वो शिन के बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे और अभी भी टैन का ही साथ दे रहे थे। फिर उसके बाद टैन की मदर सभी के सामने शिन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि तुमने तो मेरी बेटी का लाइफ पहले ही बर्बाद कर दिया है, अब क्या तुम चाहती हो कि उसकी शादी भी ना हो पाए। और दोनों मदर एंड डॉटर मिलकर शिन के सामने माफ़ी मांगने का एक्टिंग कर रहे थे कि सभी लोगों को लगे कि वहाँ पर शिन कितनी बड़ी डेवल है जो एक बेचारी सी इनोसेंट सी गर्ल को टॉर्चर कर रही है। और जब वहाँ पर हैंग शिन को आखिरी मौका देता है यहाँ से जाने का, तभी वहाँ पर वैन आते हैं और ये कोई और नहीं शिन के बचपन के दोस्त थे और वो हैंग को भी अच्छे से जानते थे और वो आज यहाँ पर शिन का साथ देने आए थे। पर हैंग और वैन में कोई बात जमता नहीं था, वो दोनों ही हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे, और वैन कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो वैन फैमिली के बहुत बड़े और पावरफुल मैन थे और यहाँ तक हैंग ग्रुप के वैन फैमिली के अंडर में ही काम करते थे और वहाँ पर सभी गेस्ट नहीं चाहते थे कि वो वैन फैमिली के दुश्मन बन जाए, तो वहाँ पर वो लोग शिन का साथ देते हुए कहते हैं कि शिन जो भी कहेगी वो सच ही कहेगी, आखिर उसके पीछे वैन फैमिली का साथ जो है। और वहाँ पर वैन अपना छोटा सा हेल्प करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद मदर एंड डॉटर दोनों रोने लगती है और कहती है कि यहाँ पर देखो आज मेरी बेटी का शादी होने वाला था, वो भी इन लोग ख़राब करने के पीछे तुले हुए हैं। पर वहाँ पर हैंग उन दोनों का साथ देते हुए कहता है कि आप लोग चिंता नहीं करें, मैं आपकी ही बेटी से शादी करूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, मैं टैन पर ही भरोसा करूँगा। और टैन शिन से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसने जो भी कुछ उसके साथ
साथ अगर कभी कुछ बुरा किया है वो उसके लिए सॉरी है, पर वो नहीं चाहती कि उसका आज शादी कैंसिल हो जाए किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। जिस पर शिन उसे कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपना नाम क्लियर करने आई हूँ। जो भी तुमने मेरा नाम बदनाम करके छोड़ा है उसको क्लियर करने आई हूँ, और तुम्हारा सारा काला धंधा वो सबके सामने लाने के लिए। और तभी वहाँ पर एक पेन ड्राइव आता है जिसको देखकर ट्रैन बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसमें उसका सारा सबूत था जो वो नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने आ जाए। और उस पेन ड्राइव को देखते हुए शिन उसे कहती है कि क्या ये पेन ड्राइव तुम्हें चाहिए, पर मैं तुम्हें ये पेन ड्राइव ज़रूर दे दूंगी, बस सभी लोगों को सबूत दिखाने के बाद। और तभी वहाँ पर एक स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें एक वीडियो में टैन किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, और ये वही वीडियो था जिसको मीडिया में फैलाकर टैन शिन का नाम खराब कर रही थी, क्योंकि उस वीडियो में जो भी आज तक दुनिया वाले देखे थे उसमें शिन का ही फेस दिखाया जा रहा था, और रियल वीडियो अभी सारे गेस्ट और शिन और बाकी सब देख पा रहे थे, और जो वीडियो टैन ने सभी लोगों को दिया था वो नकली था। और वीडियो को देखते ही सारे लोग बात बनाने लगते हैं, और वीडियो को देखकर टैन बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगती है, और वो हैंग से घबराते हुए कहती है कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, बल्कि शिन सिस्टर ने ही कुछ एडिट किया है जिसके कारण से मैं इस वीडियो में देख रही हूँ, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। और हैंग बेवकूफ़ इंसान की तरह वो टैन के बात पर भरोसा कर वो शिन पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब तमाशा करना बंद करो, तुम्हारे ये सब करते हुए मैं नहीं चाहता कि मैं और तुमसे नफरत करने लगूं, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ये अपना तमाशा बंद करो और यहाँ से निकलती बनो। पर अब शिन को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा था हैंग की बातों को सुनकर, और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम टैन के बातों से बिल्कुल पूरी तरह से अंधे बन चुके हो, पर मैं यहाँ पर अपना सारा सच्चाई प्रूफ करके ही जाऊँगी। और शिन एक ग्लास ऑफ वाइन को देखकर उसे एक पास्ट का टाइम याद आता है, जहाँ हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब शिन और हैंग का सदाई होने वाला था तब उसी एंगेजमेंट पार्टी में टैन भी आई हुई थी, और वो जानबूझकर दोस्ती का हाथ उसके सामने बढ़ाती है, और आज शिन बहुत ज़्यादा ही खुश थी तो वो टैन से दोस्ती भी कर लेती है, पर उसे पता नहीं था इस दोस्ती के पीछे उसे कितना बड़ा प्राइज चुकाना पड़ सकता है। और फिर उसी पार्टी में सभी लोगों को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें शिन किसी आदमी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रही थी, और जब शिन उस वीडियो को देखती है तब उसे साफ पता था कि उस वीडियो में वे नहीं है, पर हैंग उस वीडियो को सच मानकर शिन के साथ जबरदस्ती टाइम स्पेंड करता है उसके ना चाहते हुए भी, और शिन उसे बताते रह जाती है कि वो उस वीडियो में नहीं है। फिर भी हैंग को उसकी बातों पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने शिन के बैक में एक बर्थ मार्क देखा था, और उसी बर्थ मार्क के कारण से उसे भरोसा हो गया था कि उस वीडियो में वही है। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ शिन हैंग से कहती है कि तुम एक बस टैटू के कारण से सच मान बैठे कि उस वीडियो में मैं ही हूँ, तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी, और ना ही मैं जब एक्सप्लेन करना चाहती थी तुमसे तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे, तब अब क्या सुनोगे तुम। और ये बात सुनकर हैंग उससे पूछता है कि अगर ये बात सच थी तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जिस पर शिन हंसते हुए कहती है कि मैंने बताने की कोशिश भी की थी तुम्हें, पर तुम मेरी बात पर कभी भरोसा ही नहीं किए, और जब भी मैं तुम्हें बताना चाहती थी तब तुम मुझे मारते थे, मुझे टॉर्चर करते थे और मुझे रूम में लॉक कर दिया करते थे, बस एक फेक वीडियो के लिए तुमने हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया और मुझे इतना टॉर्चर किया, और तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं बल्कि इस टैन पर बिलीव था। और ये सारी बातें सुनकर लोग वहाँ पर हैंग का भी बुराई करने लगते हैं कि वो अपनी होने वाली वाइफ पर भरोसा नहीं कर सकता है। और ये सब होने के बाद हैंग शिन से माफ़ी भी मांगता है, पर शिन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए बल्कि इस टैन की माफ़ी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि ये अपने घुटने पर बैठकर मुझसे अभी माफ़ी मांगे। पर यह बात सुनते ही हैंग उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाया। और उधर मदर भी अपनी बेटी का साथ देते हुए कहती है कि ये तो मेरी बेचारी से इनोसेंट सी बच्ची है, ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकती है, और जिसके साथ ये टाइम स्पेंड की है वही हरामी इंसान है, तो इसमें मेरी डॉटर की कोई भी गलती नहीं है। और शिन को लगने लगा था कि कितने बेशरम इंसान हैं, इतनी गलती होने के बाद, इतनी गलती करने के बाद, किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देने के बाद भी इन लोगों को ज़रा सा भी अपने फेस पर ज़रा सा भी सेम नहीं है,
कि माफी मांग सके। और तभी वहां पर वही इंसान आता है जिसके साथ टैन टाइम स्पेंड की थी, और उसे देखकर टैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इंसान उसका सारा काला चिट्ठा सभी के सामने बता देगा, और वो इंसान वैसा ही करता है। पर वहाँ पर टैन सभी के सामने कहती है कि वो ये इंसान को नहीं जानती है, और ये इंसान भी शायद शिन के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसका साथ देते हुए मुझे ये सब कचरे में फंसाना चाहते हैं। और जब हैंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है तब वो मरने का एक्टिंग करती है, और फिर उसके बाद हैंग उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है, और हैंग सिन से कहता है कि तुम भी इसे माफ़ कर दो क्योंकि इसने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सेवियर के साथ ऐसा कुछ हो। जो बात सुनकर सिन हंसते हुए कहती है कि तुम सेवियर का बात करते हो जिसने मेरे बच्चे की जान ले ली, और ये बात सुनकर हैंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे लग रहा था कि शिन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पर शिन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रहा है, तुमने हमारे बच्चे की जान ली है। वो बात सुनकर हैंग उसे कहता है कि मैंने हमारे बच्चे की जान ली है, ये तुम क्या बात कर रही हो। फिर उसके बाद शिन उसे सबूत दिखाती है, जो भी उसने उसके साथ टॉर्चर किया था उसी के कारण से शिन का मिसकैरेज हुआ था। पर अब हैंग को लगने लगा था कि शिन उसे बदला लेने के लिए उसके ही बच्चे को मार दिया है, पर शिन हंसते हुए कहती है कि तुम ये डिजर्व करते हो, तुम्हारे कारण ही मेरे लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आते तो आज मैं बहुत खुश रहती, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब इसी गिल्ट के साथ अपना लाइफ पूरा जियो कि तुमने अपने ही बच्चे को मार दिया था, और गलत इंसान पर भरोसा कर तुमने बहुत सारी लाइफ को बर्बाद कर दी। फिर उसके बाद जहाँ पर वो इंसान दो बॉडीगार्ड के गिरफ्त में था, वो कहता है कि तुम नहीं जानते हो हैंग आखिर इन सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर कौन है, तुम्हारे बगल में जो टैन तुम्हारी जो प्यारी बहन शो कॉल्ड है उसने ही ये सब कुछ किया है, जो किडनैपिंग हुआ था कुछ साल पहले उसमें भी हाथ इसी का था। और वहाँ पर टैन हैंग से कहती है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, और साथ ही इस बात पर उसकी मदर भी उसका साथ देती है। पर तभी वहाँ पर शिन सभी के सामने एक सबूत को पेश करती है जिसमें उस प्रूफ के साथ ये साबित होता है कि उस किडनैपिंग में हाथ जिसका था वो कोई और नहीं बल्कि टैन है, और ये सब जानकर हैंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था टैन पर। और तभी हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देखते हैं कि टैन अपने आप को और शिन को किडनैप करवाती है, और वो किडनैपर कोई और नहीं जो अभी बंदी बना हुआ था प्रेजेंट में वही था, और वो इंसान टैन हैंग को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तब तुम 50 मिलियन लेकर जल्द से जल्द आओ। और जब हैंग वहाँ पर 50 मिलियन लेकर आता है तब वो किडनैपर उसे कहता है कि तुम अगर बचाना चाहते हो तो किसी एक इंसान को से बचा सकते हो। और फिर उसके बाद टैन अपना झूठा आंसू बहाते हुए कहती है कि आप मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं बचपन से, अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरा ये समय है वो सब कुछ चुकाने का। और फिर उसके बाद वो रोने लगती है, और वहाँ पर सीन उसका सारा ये नाटक जान रही थी कि वो जानबूझ के कर रही है, फिर भी ये हैंग सिर्फ टैन का साथ देता है और किडनैपर से कहता है कि मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, और सीन से कहता है कि तुम यहीं पर रहो मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ और इन किडनैपर से तुम्हें बचा कर लेकर जाऊँगा, और सीन रोते हुए बस हैंग का नाम बुलाते रह जाती है। वो भी उसकी हेल्प मांग रही थी पर हैंग उसकी बात को इग्नोर कर उस टैन को बचाता है। फिर उसके बाद किडनैपर्स सिन को दूसरी जगह ले जाकर बाहर फेंक देते हैं, पर उसे फेंकने से पहले उसे एक मेडिसिन खिला देते हैं जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है और उसका बेबी उसके पास नहीं रह पाता। पर वो बेहोश होने से पहले वैन को कॉल कर चुकी थी जिसकी वजह से उसका जान बच जाता है उस समय, पर उसका बेबी उसके पास नहीं रह पाता। और अब प्रेजेंट में जब टैन हैंग से हेल्प मांगने के लिए उससे पूछती है तब वो हैंग उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता, और वहाँ पर सभी लोग उसका बात भी मनाने लगते हैं। पर जब टैन उसे कहती है कि उसका बेबी उस सीन की वजह से उसके पास नहीं है तब सीन उस पर कहती है कि कितना और नाटक करोगी, तुम्हें जरा सा भी थकती नहीं हो तुम ये सब झूठ मूठ का नाटक करते हुए। और तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और उसका सारा सच बता देता है कि
टैन ने अबॉर्शन करवाया था और ऐसा कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं है कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती है। और ये सब नाटक बस उसने हैंग को वापस जीतने के लिए किया था ताकि सिन उसके लाइफ से निकल सके। और वहाँ पर सभी लोगों को सिन वो प्रूफ दिखा देती है जिसमें टैन का सारा सच था। और इस बारे में टैन की मदर को भी नहीं पता था। और जब इस बारे में वो उससे पूछती है तब टैन उन सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, जो भी मैं कहती थी उस पर तुम लोग भरोसा करते थे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और तुम लोग बन भी गए। पर अब टैन को पता था कि उसका पूरा लाइफ अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब उसका कोई भी साथ नहीं देगा। और वहाँ पर सिन सभी लोगों से कहती है कि मैंने अपना सारा सच सभी लोगों को प्रूव कर दिया है कि मैं गलत नहीं थी। और ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर माफ़ी मांगते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर टैन और उसके मदर को अरेस्ट कर वहाँ से लेकर जाते हैं। पर अरेस्ट होते हुए भी वो सिन पर ही गुस्सा कर रही थी और उसे ही बुरा भला कह रही थी। पर अब सिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और उन दोनों के जाने के बाद तभी वहाँ पर हैंग भी आते हैं और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं और शादी के लिए दोबारा प्रपोज भी करते हैं। पर अब शिन उससे कोई शादी नहीं करना चाहती थी, ना ही उसे उसका कोई माफ़ी चाहिए था। और तभी वहाँ पर वैन भी आते हैं, पर तभी वहाँ शिन का हालत ख़राब होने लगता है। और ये हालत देखकर हैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा ये हालत क्यों है। पर शिन हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने जब तुम्हें उस समय कॉल किया था तुम्हारी हेल्प के लिए, तब क्या मैं मजाक कर रही थी, मैं मर रही थी, पर तुमने मेरी बात को इग्नोर कर मुझे मरते हुए छोड़ दिया था और अब मेरा ये हालत है, अब मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं हूँ। पर वहाँ पर वैन हैंग पर गुस्सा करते हुए कहता है ये इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारी वजह से ही आज सिन का ये हालत है और अब वो हमारे बीच में भी नहीं रहेगी। और वैन वहाँ से सिन को लेकर चला जाता है। पर अब हैंग का वो हालत ठीक नहीं था और अब वो रोड पर इसी तरह से इधर उधर भटक रहा था। और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।